अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इन्वायरमेंटल साइंसेज बाय नियर पियर। अभी तक हम पांच मॉड्यूल जो हैं वो कवर कर चुके हुए हैं, इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड, एंड वी विल नाउ बी मूविंग फॉरवर्ड विद द सिक्स्थ मॉड्यूल, दैट इज़ पोल्यूशन। पीछे की अगर मैं आपको थोड़ी सी समरी दे दूँ, तो अभी तक हम जो लास्ट लेक्चर था हमारा, दैट वॉज ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, एंड दैट concluded the global initiatives that we will be covering under this particular course. अब आगे बढ़ेंगे हम कुछ और इश्यूज के साथ। हम लोग क्लाइमेट चेंज का इशू जो है बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। विल नाउ बी मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर वेरी पर्टिनेंट इशू, एंड दैट इज़ ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के अंदर तीन मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, आपकी लैंड बेस्ड पोल्यूशन, आपकी एक्वेटिक पोल्यूशन, एंड देन ऑफ कोर्स द एयर पोल्यूशन आस्पेक्ट एज वेल। सो आई बी स्टार्टिंग ऑफ विद दी एक्वेटिक पोल्यूशन, यानी आपकी जो पानी से रिलेटेड जितनी भी पोल्यूशन होती है उसके साथ स्टार्ट करूँगा। असेंशियली हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर बात करूँ जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ मोर ऑफ एन अमैलगमेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एक्वेटिक पोल्यूशन, बट इट इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्वेटिक पोल्यूशन इन माई पर्सनल एंड हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम बात करें एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन एक ऐसा फिनोमिन है जो कि हम, मेरा ख्याल है कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने ओ लेवल, ए लेवल में, FSC मैट्रिक में इस फिनोमिन को कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर है। अगर इसकी डिटेल में नहीं भी गए तो उसके बावजूद हम एटलीस्ट इसको पढ़ चुके हुए हैं। एक हमें आइडिया है कि वॉट एसिड रेन इज़। और जब रेन का लफ्ज़ आ जाता है तो ऑफ कोर्स इट मीन्स कि बारिश की बात हो रही है, तो हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन को पढ़ते हैं जी। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, ये टर्म जो है ये एसिड रेन की, इट वॉज कॉइंड इन 1852, 1852 में इसको कॉइन किया गया था बाय अ वेरी रिनाउंड स्कॉटिश केमिस्ट, रॉबर्ट एंगस स्मिथ, अकॉर्डिंग टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। और इन्हीं को हम फादर ऑफ एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के मुताबिक ये जो टर्म है एसिड रेन की, इट वॉज कॉइंड इन 1852 बाय स्कॉटिश केमिस्ट। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ आप लोगों ने, एंगस स्मिथ। ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वही बात कि वी नेवर नो कि आपके MCQs के अंदर क्या बातें वो पूछें। दे कैन बी साइंटिफिक और वो क्रामिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, तो ये आपकी क्रामिंग रिलेटेड एक चीज़ होगी, एंड इट्स समथिंग जो कि आप लोगों को फ़ायदेमंद भी रहेगा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ डिपॉजिटेड मटीरियल बोथ वेट एंड ड्राई। दिस इज समथिंग जिसके ऊपर मैं आगे एम्फोसाइज करूँगा, और ये एक नई चीज़ है एसिड रेन के कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि आई एम श्योर आप लोगों को पहले नहीं पता होगी। वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन कमिंग फ्रॉम द एटमोसफियर कंटेनिंग मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑफकोर्स वेन यू टॉक अबाउट एसिड, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एसिड है जो कि आपकी रेनफॉल में मिक्स हुआ। ठीक है ना, यानी जो आसमान की तरफ से पानी आना है उसके साथ ये मिक्स हुआ है, एंड दिस इज़ वाई वी कॉल इट एसिड रेन, राइट? तो एसिड रेन के लिए एसिड का होना ज़रूरी है। तो एसिड कौन से होते हैं? वो अमूमन होते हैं आपके नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड, आपकी नॉक्स या सॉक्स, नॉक्स और सॉक्स। ठीक है, इसको हमने कहना भी इस तरह है, नॉक्स और सॉक्स ही कहेंगे, क्योंकि सल्फेट में भी आगे काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं, SO2, SO3, SO4। ठीक है, इसी तरह नॉक्स में NO2, NO3। ठीक है, तो इन नाइट्स की नाइट्रेट्स की टाइप आ जाती हैं, सल्फेट्स की टाइप आ जाती है, सल्फेट हो सकते हैं, सल्फाइट हो सकता है। ठीक है, सो हमने बहुत इसकी केमिस्ट्री के अंदर आप जाने की कोशिश ना करें, आपको इसका अगर सरफेस नॉलेज भी पता है तो दैट इज इनफ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम स्पीकिंग फॉर और स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, और जो कि ये शायद समझे कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें मस्ती वाली बात नहीं है। सो यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, एसिड रेन क्या है? इट इज़ इट रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ डिपॉजिटेड मटीरियल बोथ वेट एंड ड्राई। वेट एंड ड्राई पर हम आगे बात करेंगे। कमिंग फ्रॉम द एटमोसफियर कंटेनिंग मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द मेन एसिडिक कंपाउंड्स विच गेट मिक्सड विद द H2O present in the atmosphere, and then it comes down in the form of precipitation. ठीक है जी, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं एसिड रेन की? एसिड रेन में सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल नहीं आ जाती। ठीक
एसिड रेन में फॉग भी आती है, स्लीट भी आती है, स्लीट रहती है हल्की हल्की बारिश, और आपकी जो डिपोजिशन हो जाती है फिर बर्फ़ की, ठीक है, तो वो हो जाता है, फिर स्नो ऑफ कोर्स, ये आपकी हैं एसिडिक सारे के सारे, ठीक है, ये आपकी मीडियम्स हैं जिसके थ्रू एसिड डिपोजिशन हो सकती है, ठीक है। तो एसिड कौन कौन से, वही बात हम रिपीट, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दूँ, नॉक्स हैं एंड देन सॉक्स, ये सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं, नॉट नेसेसरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है, विच इज़ SO3, ठीक है, तो उसके भी कंपाउंड हो सकता है। सो असेंशली दो बातें हैं, एक तो ये कि एसिड रेन के आने का वाहिद जरिया रेनफॉल यानी बारिश नहीं है, वो स्नोफॉल के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है, अगर हम इसकी वेट डिपोजिशन की बात करें, ठीक है, और ये कि इसमें दो मेजर एसिड्स इन्वॉल्व हैं, दैट आर नॉक्स एंड सॉक्स, अदरवाइज तो एसिड्स की बहुत टाइप्स होती हैं ना, आपके बहुत टाइप्स के एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट उसकी बात नहीं हम कर रहे, हम बात करें खसूस नॉक्स की और सॉक्स की, और ये क्यों है इसके ऊपर भी हम आगे जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो फॉर्म्स ऑफ एसिड इनकी तरफ आते हैं, जो कि मैं एक बार पीछे पर रिपीट कर दूँ, ये जो मैं आपके साथ वेट और ड्राई डिपोजिशन की बात करा था, ठीक है, और हम लोगों ने आगे भी पढ़ लिया। सो फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन के आपके दो टाइप्स ऑफ एसिड रेन होती हैं, और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, दे आर दी वेट डिपोजिशन एंड द ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन क्या है, वेट डिपोजिशन है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपके हवा के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, आपके इमिशन सोर्सेज क्या हैं उनके ऊपर डिटेल में पढ़ते हैं, बट असूली तौर पे आपके मैन मेड सोर्सेज जो कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड असूली तौर पे या सॉक्स वो और नॉक्स इनको इमिट करता है, ठीक है, थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी तरफ से जब ये हवा में खारिज हो जाती हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द रिएक्शन विद वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है, और फिर ये बन जाता है H2SO4, और सॉक्स के केस में H2SO4 बनता है, नॉक्स के केस में इट बिकम्स हाई ये नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसके ऊपर आप ना जाएं, बस ये है कि आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपने एग्जाम में इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो यू डोंट रियली हैव टू वरी, सिंपल 2H+ प्लस SO42 नेगेटिव है, और नीचे वाले केस में नॉक्स के केस में इट इज H+ प्लस ये नाइट्रेट का आयन NO3- जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और फिर एक और जो इसका सोर्स बन जाता है दैट इज नेचुरल अमोनिया, अमोनिया आ जाता है फर्टिलाइजर से जो कि आप एग्रीकल्चर के अंदर खसूसन इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए और अमोनिया के इजाफे के लिए डाले जा रहे होते हैं, तो वही एक्सेसिव अमोनिया जो कि इस्तेमाल नहीं होता वो भी हवा में जाके NH3 और फिर H+ आयन के साथ यानी H2O के साथ रिएक्ट करके ये आयन्स बनाता है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये मेन चीज़ें जो कि आप लोगों को याद रखनी है, दिस इज़ द रिएक्शन, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लें, एंड पे ये जो आपके पास आ रहे हैं ना H+ NH4+ NO3-, SO42-, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और यही है जो कि आपकी एसिड रेन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आपको एक रूडिमेंट्री किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड रेन, ठीक हो गया। अब हम आते हैं वेट डिपोजिशन पे, वेट डिपोजिशन का मतलब होता है कि ये आपके जो आयन्स हैं या एसिड है, चले हम इसकी बात करते हैं, ये एसिड और ये एसिड जब क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर इनकलकेट हो जाते हैं, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन के तहत जो वाटर वेपर्स इकट्ठे हुए होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर पानी की फॉर्म में जमीन पे आके गिरते हैं, पानी की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं वेट डिपोजिशन, उसको हम कहते हैं वेट डिपोजिशन। इन द सेम मैनर यही आपके जो एसिड्स हैं गैसियस फॉर्म में अगर मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ और हवा में जो डिफरेंट और पार्टिकल्स हैं उनके साथ अटैच होके ड्राई फॉर्म में, प्लीज नोट डाउन, ड्राई फॉर्म में
आपकी जमीन पे या जमीन पे मौजूद किसी भी चीज के ऊपर आके ठहर जाते हैं या गिर पड़ते हैं, जिस तरह मिट्टी गिरती है, डस्ट होती है, उसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान बात है। एक आपकी वेट डिपोजिशन है, जिसके अंदर आपके जो एसिड्स हैं, जो कि हवा में हैं, इसमें गैसेस फॉर्म में, वो आपके पानी के साथ मिक्स होके ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। और एक आपकी आ जाती है ड्राई डिपोजिशन, जिसके अंदर वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, हाँ, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स और वैसे हवा में चीज़ें मुहल्लक हैं उनके साथ अटैच होकर वो ज़मीन पर आके गिर जाते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। अब थोड़ा सा इनका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ड्राई डिपोजिशन क्या है? इफ द विंड ब्लोज द एसिडिक केमिकल्स इन द एयर टू द एरियाज वेयर द वेदर इज ड्राई, द एसिडिक पोल्यूटेंट स्लिप इनटू डस्ट और स्मोक एंड फॉल टू द ग्राउंड एज ड्राई पार्टिकल्स। ये उन एरियाज में खसूसन ज़्यादा लागू होता है जहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, चूंकि वहाँ पे बारिश कम होती है और हवा का रुख जो है उनको डस्ट पार्टिकल्स के साथ और स्मोक पार्टिकल्स के साथ अटैच कर देता है, तो तब वो एक ड्राई फॉर्म में जमीन के ऊपर आके खारिज हो जाते हैं। इन द सेम मैनर अगर इसकी बात करें, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एसिडिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर फॉल बैक थ्रू ड्राई डिपोजिशन। अब दिस इज समथिंग न्यू, आई एम श्योर आप लोगों को नहीं थी पता होगी ड्राई डिपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है इन द एसिड रेन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एसिडिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर फॉल बैक थ्रू ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन क्या है? वेट डिपोजिशन में आपको बता चुका हूँ, पीछे हम लोग जो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी वेट डिपोजिशन के टाइप्स हैं, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, ये तमाम टाइप्स आ जाती हैं आपकी वेट डिपोजिशन की। तो उसके तहत अगर पानी के साथ मिक्स होकर आपका एसिड जो है ज़मीन तक पहुँच रहा है तो उसको हम कहेंगे वेट डिपोजिशन। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे इसके साथ ही ये वाली वीडियो को एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बड़ी बेसिक सी जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए ऑफ एसिड रेन एज ऑफ नाउ, वो आपको समझ आ गई होगी। आगे हम इसके पढ़ते हैं, कॉजेज के पास भी जाते हैं और फिर इसके इम्पैक्ट्स पे भी जाते हैं और फिर सोल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।